आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैमिली न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। नीवच में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा अंबेडकर सर्कल के समीप अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल के प्रांतीय अधिवेशन दिनांक 12 जून 2016 को घोषणा की थी कि पदोन्नति में आरक्षण हर हाल में जारी रहेगा और उसके नियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा की गई उक्त घोषणा के पालन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिलिंग मनोज गोरकेल से नवीन पदोन्नति नियम का ड्राफ्ट तैयार करवाया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संघवी और माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गुप्ता द्वारा संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सही बताया है। ये नियम साल 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया था। सीएम सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में जो पदोन्नति नियम बनाया गया है वह संविधान के विपरीत है और कुछ वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव और मंत्री समूह को गुमराह कर रहे हैं और संविधान के विरुद्ध नियम बनाने के लिए पक्ष रख रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध होने के साथ साथ मुख्यमंत्री की इच्छा और संविधान के विपरीत है। उपरोक्त बिंदुओं को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन और अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन भी प्रेषित किए हैं। साथ ही मांग की गई है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का पालन कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गोरकेल द्वारा तैयार कराया गया पदोन्नति नियम ड्राफ्ट को यथावत लागू कर सभी वर्गों को पदोन्नति देने हेतु आदेश जारी किए जाएं। हमारा अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय माननीय कंसोटिया साहब के निर्देशन में सभी भीम अनुयायी संगठन, सभी SC ST के समुदाय के संयुक्त तत्वावधान में आज हम यहाँ पर पुनः ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। क्योंकि हमारी 5 सूत्रीय मांगें पूर्व से चल रही है, जिनके तारतम्य में हमने पूर्व में 1 फरवरी को सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्री महोदय सामान्य प्रशासन, माननीय मुख्य सचिव महोदय सामान्य प्रशासन और माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय सामान्य प्रशासन को ज्ञापन दिया था। हमारी प्रमुख जो मांगे हैं उनमें सबसे पहली मांग ये है कि प्रमोशन में आरक्षण अधिनियम को लागू किया जाए। सम्माननीय अधिवक्ता श्री मनोज जी गोरकेला साहब ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है प्रमोशन में आरक्षण का, उसे तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से संवैधानिक है और SC ST समुदाय के अधिकारों के प्रति वो पूरी तरह से सही है, इसलिए उसे लागू किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1,04,000 बेकलोक पद हैं, उन पदों को शीघ्र भरा जाए ताकि SC ST समुदाय के जो बेरोजगार साथी हैं उन्हें रोजगार मिल सके। तीसरी मांग हमारी ये है कि आउटसोर्सिंग से जो भर्तियां हो रही हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण का फार्मूला लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए आउटसोर्सिंग भर्तियां तुरंत बंद की जाए और फिर भी यदि अपरिहार्य कारणों से आउटसोर्सिंग प्रथा लागू करनी है तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया जाए। हमारी अगली मांग ये है कि SC ST समुदाय के जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें गत 2 वर्षों से समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो छात्रवृत्तियाँ समय पर दी जाए, शीघ्र दी जाए, ताकि वो सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई जो है अनवरत जारी रख सके। हमारी अगली मांग है पुरानी पेंशन योजना, जिसके अभाव में कर्मचारी एक तरह से पंगु हो गया है, उसका बुढ़ापा बड़ा दुभर हो जाता है, तो पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए ताकि शासन की 30-40 वर्षों की सेवा करने के बाद व्यक्ति जब वृद्ध हो तो उसको अपना जीवन जो है वो आर्थिक रूप से तंगी में नहीं गुजारना पड़े। एक और हमारी मांग है कि हमारे जो सफाई कर्मी साथी हैं उन साथियों का शोषण हो रहा है, बहुत ही कम तनख्वाह में या वेतन में उनको ये था आप तक अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।